हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारे पास सबसे ज़्यादा फेमस बाइक जो कि है RS 200। और मेरे चैनल पर अभी तक इसका जो है ओनरशिप रिव्यू नहीं आया था, और मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रहा था कि इस बाइक का जो है एक प्रॉपर ओनरशिप रिव्यू आप सब लोगों के साथ शेयर किया जाए और इसके प्रो कॉन्स जाने जाएँ इसके बारे में, और क्या 2022 में इसे परचेस करना वर्थ इट है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे इसके ओनर से। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो में बुलाते हैं इसके ओनर को। हमारे साथ है जोएल जो इसके ओनर हैं। तो वेलकम टू आवर चैनल जोएल भाई। तो भाई आपने ये कब परचेस करी थी? ये गाड़ी मैंने परचेस करी है 2020 में अप्रैल में, यानी कि ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है। ठीक है, तो 2 साल में आपने इसको कितना जो है रन कर लिया? ये 2 साल में चल चुके हैं 7548 किलोमीटर। अच्छा, तो मतलब आपको जो है यहाँ वीडियोज में ऑलरेडी दिख रहा होगा कि इसका जो ओडोमीटर है तो ऑलमोस्ट जो है ये 7-8 थाउजेंड हो गया इसका। और 7-8 थाउजेंड में आपने कितनी इसके सर्विसेज हुई हैं? इसके 2 सर्विस हुई हैं। अच्छा, दोनों सर्विस, तो ये फ्री वाली हुई होंगी। फ्री सर्विस में क्या कॉस्टिंग जा रही है इसकी? फर्स्ट सर्विस में कॉस्टिंग आई थी 250 रुपये। अच्छा, और सेकंड सर्विस में इसकी कॉस्टिंग आई थी 200 रुपये। बहुत ज़्यादा कम हो गया, 200-250 मतलब। हाँ। तो मोबाइल उसमें चेंज हुआ था नहीं हुआ था? फर्स्ट सर्विस में मोबाइल चेंज नहीं हुआ था, खाली इसका ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था। उसके बाद सेकंड सर्विस में मैंने इसमें मोटर ऑयल डलवा दिया था, तो ऑयल मेरी ही तरफ से था, तो कंपनी ने खाली लेबर ही लिया, इसके अलावा कुछ चार्जेस नहीं लगे। एक्चुअली सीन इज दैट कि मतलब मोबाइल में मेरे को एक्चुअली पसंद नहीं आया बजाज का। उसमें जो था ये था कि उसमें स्मेल आती थी, अगर आप हाई रेविंग कर रहे हो गाड़ी से लंबा ले जा रहे हो। हाँ। तो एक पॉइंट के बाद वो स्मेल करने लगता था, वो स्मेल इतनी गंदी आती थी कि ऐसा लगता था बाइक जल रही है बुरी तरीके से। तो इसलिए मैंने स्विच करा सेकंड सर्विस में मोटिल की तरफ। जब मैंने मोटिल इसमें डलवा लिया तो इसमें फिर उसके बाद खाली एयर फिल्टर का खर्चा आया और ऑयल फिल्टर का, दैट्स इट। अच्छा, BS6 गाड़ीज में मोस्टली लोगों ने ये चीज नोटिस की भी है कि जब थोड़ा सा इसको चलाने के बाद जो है एक स्मेल आने लगती है जलने वाली। हाँ। तो उसी चीज को आप नोटिस करके आपने मोबाइल चेंज किया था? वो मोबाइल की ही वजह से। अच्छा, एक्चुअली बजाज वालों का सीन ये है, जो मोबाइल ऑयल वो उसमें डाल रहे हैं अपनी पल्सर 150 में, वही सेम मोबाइल ऑयल वो हायर सेगमेंट में भी यूज कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। कहने को सिंथेटिक है, वो कहने को कह सकते हैं कि वो 5000 चला लेते हैं, वो कंपनी ऐसा क्लेम करती है, पर मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता, वो बहुत गंदा स्मेल करता है। नहीं, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के हिसाब से मोबाइल चेंज करना चाहिए, बट वही है कि कंपनी कहीं ना कहीं अपना भी जो प्रॉफिट है वो डेफिनेटली देखेगी, और उस चीज़ को अगर ओनर नोटिस कर लेता है तो वो चेंज कर सकता है, अदरवाइज आप ऐसे ही चलाते रहेंगे। खैर, अच्छा मुझे ये बताइए कि अभी जो है 200 cc की बाइक है ये, तो क्या एवरेज आप इससे निकाल रहे हैं? देखिए, जो कंपनी क्लेम करती है, और अगर एक तो डिपेंड करता है कंपनी क्या दे रही है, कंपनी ने 35 का क्लेम कर रखा है इसकी 35 देगी। हाँ। दूसरा डिपेंड करता है कि आपका राइडिंग स्टाइल कैसा है। अगर आप बहुत एग्रेसिव राइडर हो कि भाई आपको हाई रेविंग में ही गाड़ी चलानी है, खूब मजे लेकर दौड़ानी है गाड़ी, तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 32 से 33 तक ही देगी ये, उससे ज्यादा नहीं देगी। लेकिन अगर आप एक तरफ सॉफ्ट हार्ट मतलब सॉफ्ट हैंड से भी गाड़ी चलाते हो, आराम से चलाते हो, तो मैंने इस गाड़ी से ऑन हाईवे माइलेज अराउंड 46 का निकाला है, आराम से निकला है, और 94 की स्पीड पर निकला है। हाँ, मतलब उस हिसाब से 200 cc के हिसाब से काफी ज्यादा बहुत है। मतलब काफ़ी इजीली आप इसको मेंटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि 46 का माइलेज कम नहीं होता 200 cc बाइक के लिए, क्योंकि अदर सेगमेंट में अगर हम चले जाएं तो इतना ज़्यादा माइलेज देने वाली मेरे ख्याल से कोई बाइक होगी नहीं, इतना नहीं है किसी, क्योंकि वही 40 से नीचे ही चले जाते हैं, वही 35 या 30 मैक्स नहीं रहता बस, इतना रहता है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या टॉप एंड क्या निकाला अभी तक? इसका जो टॉप एंड था, जो जब मैंने खरीदी थी गाड़ी तो उस समय 147-148 टच करती थी, उसके बाद RS का एक अपडेट आया। हाँ। जब 2021 में जब इसकी फर्स्ट सर्विस थी, एक्चुअली हुआ कि मैंने 2020 में गाड़ी ली, और गाड़ी लेने के 3 दिन बाद लॉकडाउन लग गया था। अच्छा। सेकंड वेव आ गई थी। ठीक है, तो गाड़ी बिल्कुल नहीं चली। उसके बाद नवंबर में जाके कहीं गाड़ी चलाना शुरू करा, उसके बाद जब इसकी फर्स्ट सर्विस आ गई 500 किलोमीटर्स हो गए। हाँ। तो उस समय कंपनी में एक अपडेट आया, उन लोगों ने बिना पूछे अपडेट कर दिया। उससे पहले गाड़ी 148 टच कर रही थी, 149 धीरे धीरे चली जाती थी, लेकिन अपडेट के बाद से 145-146 पे क्लॉक हो जाती है, उसके आगे बिल्कुल नहीं जाती गाड़ी। ओके। तो इस समय प्रेजेंट स्पीड जो है गाड़ी की 145 से 146। अब मुझे एक चीज बताइए कि जैसे कि आप काफी टाइम से चला रहे हैं, ठीक है, तो मुझे जो है इसके नेगेटिव पॉइंट्स जानने हैं कि इस बाइक को ऑन करने के बाद, क्योंकि काफी सारे लोगों ने शिकायतें करी हैं कि माइलेज नहीं देती है। मैंने काफी सारे लोगों के वीडियोस देखे हैं, वो यही बताते हैं कि भाई माइलेज नहीं देती है, मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा,
पैसे ज्यादा लग रहे हैं, तो मुझे इसके कॉन्स जानने हैं बेसिकली, क्या क्या इसमें कॉन्स हैं। देखो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि आपके बाइक राइडिंग स्टाइल पे बहुत मैटर करती है। अगर आप अच्छे से गाड़ी चलाते हो ना तो गाड़ी सारी अच्छी नहीं होती। अगर आप गाड़ी की केयर ही नहीं कर रहे हो तो गाड़ी फिर आपकी केयर कैसे कर सकती है। अभी मेरे हिसाब से मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस होने वाला है, मेरी गाड़ी ने अब तक कोई खर्चा नहीं मांगा, जो कराया मैंने खुद अपनी मर्जी से लगाया। इसके अलावा सर्विस कॉस्टिंग में मैं बता चुका हूँ। बाकी जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे वो ये था, मुझे बजाज का ऑयल बिल्कुल पसंद नहीं आया, जो कि मैंने तुरंत चेंज कराया जिसकी वजह से स्मेल आती थी। उसके अलावा थोड़े से वाइब्रेशंस लोग कहते हैं कि इसमें बहुत हैं, पर हाँ थोड़े बहुत फील हो जाते हैं, वो भी बहुत हायर आरपीएम पे। अगर आप इसको चला रहे हो 100 नियर बाय 120 तो आपको इतना वाइब्रेशन फील नहीं होगा। टॉप एंड्स में हाँ आपको थोड़ा सा फुट पे लगेगा, जो कि मैं समझता हूँ भाई इतना, अगर 200 सीसी की गाड़ी तो इतना तो फील होगा ही गाड़ी में। बिल्कुल। आपने इसे टूरिंग वगैरह करी अभी तक? मैंने एक टूर करा है नैनीताल का। इससे कैसा रही जर्नी, मतलब सीट कंफर्ट वगैरह कैसा था? सीट कंफर्ट तो बहुत अच्छा है गाड़ी का, बिल्कुल बैक पेन नहीं हुआ। अगर मेरे साथ मेरा दोस्त गया था V3 लेके, आने के बाद वो खड़े होने के लायक नहीं बचा। वो खैर बॉडी पोस्चर उसका बहुत, 2 दिन अपनी पीठ में खूब मसाज वसाज करवाई है और मैं आराम से आया। ऑल्दो मेरा वेट भी ज्यादा है, अच्छा खासा हेल्दी वेल्दी हूँ, फिर भी मैं आराम से गया। बैग भी था मेरे पीछे, आराम से मैं वहाँ पे ले भी गया, सुबह सुबह आ भी गए हम लोग शाम को। मेरे को खैर कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, देखिए थोड़ा बहुत तो होता है, थोड़ा बहुत पड़ता है। मेरे को हैंडल बार ये यहाँ हथेलियों में हो गया था थोड़ा सा दर्द, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि भाई इतना लंबा कभी इस गाड़ी के साथ राइड नहीं करा था, आदत नहीं थी। लेकिन हाँ भाई जो हाल V3 वाले का था ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, यहाँ से जो नैनीताल का डिस्टेंस है वो लगभग आपको 130 के आसपास पड़ेगा, है ना? 138 एग्जैक्टली पड़ेगा। तो इतना डिस्टेंस है जो इन्होंने कवर किया था, तो उसका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था। उसके अलावा और कोई आपका ऐसा नेगेटिव पॉइंट या फिर सर्विसिंग में कैसा, आपका सर्विसिंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है जब आप वहाँ पे जाते हैं? देखिए मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊँ, मेरा सर्विस एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है बजाज के साथ। मतलब हमने फर्स्ट सर्विस कराई तो मतलब बहुत अच्छा बिहेवियर था उनका। और एक तो मुझे एक अच्छी बात लगती है कि मतलब अगर आप गाड़ी लेकर वहाँ जाते हो तो एक रिस्पेक्ट के साथ वो लोग बात कर रहे थे। दूसरा, नेक्स्ट टाइम जब हम सेकंड सर्विस के लिए गए तो मेरा एक फ्रेंड है वो भी यूट्यूब पे है, तो उन्होंने मेरे से बोला कि मतलब हम लोग सर्विस की वीडियो शूट करेंगे। तो मैंने कहा चलो परमिशन लेके देखते हैं, हमें लगा था शायद मना कर देंगे। अच्छा। बट उन लोगों ने बहुत हैप्पीली हमारा वेलकम करा और हमें सर्विस हमने पूरा बनाया, एक बार भी उन्होंने टोका और अच्छे से अलाउ करा बनाने को। तो ये चीज़ मुझे बजाज की बहुत अच्छी लगी। तो चलिए, तो खैर कुछ शोरूम्स हैं जो आजकल जो है कंटेंट क्रिएटर्स को भी सपोर्ट करते हैं, बट मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने बोला कि आपने जो है दूसरा मोटिवल का इंजन ऑयल पढ़वाया, तो वो इजीली कन्विंस हो गए थे या फिर वहाँ पे भी कुछ हुआ ऐसा? जो डीलर था जो वहाँ पे मतलब जो बैठे थे कि जो देते, उन्होंने पहले तो दे दिया, क्योंकि वो मैंने तो उनसे जब वो डाल लेते उन्होंने पूछा मुझसे कि आपको बजाज का ही डलवाना है या आप अपना लायो, मतलब ये चीज उन्होंने मुझसे पूछी। तो मैंने कहा नहीं सर मेरे को मोटिवल चाहिए, आप मेरे को मोटिवल लाइए। तो उनका एक लेबर गया, उन्होंने मोटिवल का डब्बा उठाया, उन्होंने लाके डाल दिया गाड़ी। जब गाड़ी रेडी हो गई पूरी, तो जब मैं पेमेंट करने गया तो वहाँ के जो बैठे थे मैनेजर, उन्होंने बोला आपने ये डलवा लिया आपका इंजन डैमेज हो जाएगा, इंजन वारंटी चली जाएगी, ये वो वगैरह। मैंने कहा सर कुछ ऐसा था तो आप पहले बता देते मेरे को। कह रहे नहीं अब आपके ऊपर है। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए इतना परफॉर्मेंस तो हमें भी पता है कि इंजन डैमेज होगा या नहीं होगा। तो ये हम उन्होंने कहा ये आपके आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ के लिए। मैंने कहा जी सर हम अपना सेल्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं कह रहा। अच्छा, इंजन ऑयल से तो ऑब्वियसली आपने अपग्रेड ही किया होगा, तो ऐसा तो कोई भी इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऑल्दो जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज ही होगी। अच्छा, इसमें जो है 200 सीसी का इंजन है, ठीक है, और 130 सेक्शन का टायर है। आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था? थोड़ा सा मेरे को इतना पता नहीं था टायर्स के बारे में। बट जब मैंने गाड़ी ले ली और मैंने अपने दोस्त की V3 साइड में खड़ी हुई देखी, फिर मैंने इसको देखा तब मेरा ध्यान गया। असल में लेने से पहले मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं गया टायर पर। टायर जब मैंने देखा तब मुझे पता चला अरे 130 सेक्शन टायर है। फिर मैंने सोचा शायद कोई बात नहीं ठीक है। मैंने फिर हगर उतारा अगले दिन, मैंने कहा हगर उतार के अच्छी लगी। हगर उतारने के बाद बहुत ही बुरी लग रही थी पीछे से, मतलब क्योंकि टायर प्रोफाइल काफी उसके हिसाब से स्लिम है। हाँ बहुत स्लिम है, मतलब नंगी नंगी गाड़ी सी लग रही थी। हाँ। तो मैंने वापस लगा दिया उसको। ऑल्दो को टायर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ग्रिपिंग बहुत अच्छी है, कॉर्नरिंग बहुत अच्छी है टायर की। मैं कहूंगा अभी तक मैंने चलाया भी है और घिस भी दिया है बुरी तरीके से। लेकिन हाँ अब मैं जो है अब मेरे को यही है कि अब जो मैं डलवाऊंगा 140 ही होने वाला है, क्योंकि एक्जैक्टली जो इसमें प्रोफाइल आ रही है रियर टायर की वो है
130/70 और देखने में काफ़ी ज़्यादा स्लिम लगता है। और अगर इसका एग्जैक्टली जो कंडीशन हो चुकी है वो चेंज होने के ही ऑलमोस्ट टाइम पीरियड इसका आ चुका है चेंज होने का, और 7000 किलोमीटर में भाई ने बर्नआउट करके एग्जैक्टली इसको जो है आउट करा है। तो ऐसा देखा जाए तो अभी इतनी जल्दी आउट होता नहीं, क्योंकि इसका फ्रंट टायर की अगर मैं बात करूँ तो अभी बिल्कुल ठीक है, उस कंडीशन में चलाने लायक आराम से है अभी भी। लेकिन जो रियर टायर है वो अभी चेंज होने के कंडीशन पे आ चुका है। एक चीज़ और कि आपने जो है इसका जो मफलर है वो निकाल रखा है। एक्चुअली जब मफलर लगा हुआ था ना तो गाड़ी का जो अगर आप सिटी में लगा रहे हो या फिर नॉर्मल भी रहे तो एग्जॉस्ट फैन बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था। मुझे नहीं पता गाड़ी घुट रही थी क्या हो रही थी, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन ये जब बजाज का ऑयल था तब ये बहुत था अच्छा। मैंने मॉड्यूल डलवाया, मॉड्यूल के बाद फिर मैंने मफलर उतार दिया इसका। अब अगर आप इसको सिटी में ले जाओ, हाईवे पे ले जाओ, एक आध बार फैन ऑन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता। गाड़ी हीट बहुत ज़्यादा नहीं होती जितनी मफलर लगा के हो रही थी। दूसरा पर्पज था साउंड का। भाई साउंड मैं क्या बताऊँ, अब ये अब वीडियो में ही सुना देंगे आपको स्टार्ट। भाई अभी मैं आपको इसका साउंड भी सुनाऊंगा। अच्छा, इससे इसको निकालने के बाद ऐसा आपको फील हुआ कि माइलेज में डिफरेंस है? डिफरेंस मुझे फील हुआ बिकॉज वो अकेला जो पार्ट है वो 6-7 किलो के आसपास का था मफलर पीछे का, तो उतारने के बाद वेट रिड्यूस हुआ तो ऑब्वियसली माइलेज बढ़ा, और माइलेज बढ़ने की वजह से परफॉर्मेंस और बढ़ गई। ठीक है। चलो मैं एक बार जो है आपको इसका साउंड सुना देता हूँ कि एग्जैक्टली इसमें साउंड कैसा आ रहा है अभी विदाउट मफलर के। आइडल में है, लेकिन अगर मैं स्टॉक से बात करूं तो थोड़ा सा मेरे को लाउडर फील हो रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा रेव करता हूं तब देखते हैं कितना साउंड इंक्रीज आपको फील होगा। ओवरऑल जो है साउंड इसका पहले से तो इंक्रीज है ही, बट जो एक्चुअल इसका एक्सपीरियंस है परफॉर्मेंस और माइलेज को लेके, वो एज अ ओनर ये इंक्रीज्ड है। पहले से परफॉर्मेंस भी और माइलेज भी थोड़ा सा पहले से बढ़ चुका है, क्योंकि वेट ऑब्वियसली वेट रिड्यूस होने से परफॉर्मेंस और माइलेज पर फर्क पड़ता है, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन इसको उतारने के बाद अगर बढ़ जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा पार्ट की तरह कंसिडर होगा और कुछ भी नहीं है। और 2022 चल रही है ऑलमोस्ट एंड, अब 2023 आने वाला है। ठीक है, तो अब आप किसी को ये सजेस्ट करेंगे कि 2023 में भी कोई RS 200 को परचेस करे स्टिल? पहले तो मैं ये बता दूं कि RS 200 का वैसे तो अपडेट मॉडल आने वाला है। ठीक है, और अपडेट मॉडल आ रहा है, और मतलब अभी तक तो ये था कि 2022 में आ जाएगा, क्योंकि ये भी हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं कि आएगा, लेकिन अभी तक वेट ही कर रहे हैं सब। पहले ये था कि 2022 में आ जाएगा, अगस्त तक लॉन्च हो जाएगा, बट पता नहीं बजाज ने क्यों लॉन्च नहीं करा। लेकिन अब उनका फाइनलाइज हो चुका है, उन्होंने एक पेटेंट निकाला है जिसमें 2023 मार्च में वो लोग बाइक को लॉन्च कर रहे हैं, NS और RS अपडेटेड जो आएंगी। ठीक है, जैसे उन्होंने अभी F सीरीज करी वैसे ही वो अपना ये इन सीरीज इन पे भी काम करेंगे। तो जिनको मैं समझता हूँ अगर वैसे अगर नई लेना चाहें तो वो रुक सकते हैं, क्योंकि सुनने में देखो इतने साल बाद अपडेट हो रहा है तो मेरे ख्याल से अच्छा ही करेगा बजाज। 2023 में इस समय भाई आपके प्रेफरेंस पे, अगर आप बाइक चाह रहे हो तो आप ले लो, वरना नया मॉडल आ ही रहा है इसका। बाकी जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो लोग हैं जिनको परफॉर्मेंस पसंद है गाड़ियों में, वो इसके लिए ज़रूर जा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब मैं सीधे सीधे अगर बताना चाहूँ तो अगर आप 2023 के हिसाब से या 2022 के हिसाब से कोई नई बाइक फाइंड कर रहे हैं तो मे बी ये आपकी चॉइस नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहिए तो डेफिनेटली आपकी चॉइस ये भी हो सकती है। तो ये था आज का फाइनल वीडियो, और एट दी एंड आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपके लिए है या नहीं है। अगर आप इसको लेने का सोच भी रहे हैं तो इसके क्या प्रो कॉन्स हैं और ओनर का क्या रिव्यू है इसको लेके। तो ये था ओवरऑल वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।